बच्चे मैं भी डिस्कस कर रहा था ये क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आर दिस वन, यानी कि बच्चों क्या क्वेश्चन में दिया है, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल क्या है, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल कौन कौन सा है, ए माइनस बी कॉमा ए एंड ए प्लस बी, ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। तो बच्चों जब ये जीरो ऑफ पॉलीनोमियल है तो मेरा क्या होगा, फैक्टर्स क्या हो जाएगा इसका, फैक्टर्स ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है, फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स माइनस ऑफ ए माइनस बी, ओके। और सेकंड फैक्टर क्या होगा, पहला फैक्टर इसके लिए ये आया, सेकंड फैक्टर एक्स माइनस ए हुआ क्या, फिर थर्ड फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस ए प्लस बी। देखो बच्चों यही मैंने इज इक्वल टू जीरो रखा था, ये फैक्टर को, ये फैक्टर को, ये फैक्टर को, जब इस फैक्टर को मैं एक्स इतना इज इक्वल टू जीरो रखा तो एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी आया था, फिर सिमिलरली जब एक्स माइनस ए को मैं जीरो रखा तो एक्स इज इक्वल टू ए आया था, इसको जब मैं जीरो इज इक्वल टू जीरो रखा था इस फैक्टर को तो मेरा कितना आया था, ए प्लस बी। तो बताओ बच्चों अब मेरे को कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मालूम है, सॉरी क्यूबिक पॉलीनोमियल मालूम है, क्यूब क्यूबिक है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री थ्री है, जब क्यूबिक पॉलीनोमियल मालूम है इसका तीन जीरोस, थ्री जीरोस दिया हुआ, यानी कि तीन फैक्टर्स आ गया क्या, और यही तीनों फैक्टर्स का मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपस में तो मेरे को क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, दिस क्यूबिक इक्वेशन। तो मैं पहले क्या करूंगा, इसका 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 आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या करूंगा, एक्स माइनस ऑफ ए माइनस बी, फिर ये वाला लेता हूं फैक्टर, क्या हो गया, एक्स माइनस ए प्लस बी, फिर क्या हो गया ये फैक्टर बचा ना, ये एक्स माइनस ए। अब बच्चों इसको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, फिर देखता हूं ये क्या आता है, एक्स माइनस ए प्लस बी, ये कुछ ऐसा बना, इसको मैं सॉल्व किया तो एक्स माइनस ए माइनस ऑफ बी, ओके, और ये क्या बना, एक्स माइनस ए बना। तो बच्चों ये देखो ये ए ए समथिंग, इसको ए ले लेता हूं, इसको बी लेता हूं, तो ए प्लस बी का ऐसे फॉर्मेट में क्या, और ये ए माइनस बी का फॉर्मेट में, तो डायरेक्ट मैं क्या कर सकता हूं, यहां से एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर एक्स माइनस ए, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब है ना, अब बच्चों क्या करो, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो क्या आने वाला है, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसको सिंप्लीफाई करता हूं, फिर फर्दर x माइनस ए किया, तो बच्चों ये क्या आने वाला है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा सभी टर्म के साथ, तो ये क्या आएगा, x क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, फिर ये टर्म सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बच्चों, माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर एक्स, फिर क्या आएगा, माइनस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ओके। अब देखो बच्चों जब इतना मेरे पास आ गया तो मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करता हूं इस इक्वेशन को, तो मेरे क्या आने वाला है देखता हूं, क्या आने वाला है, क्या आएगा, इसको मैं करूं सबको एक्स और एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का एक्स का सबका टर्म साथ में लिखता हूं, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, ये क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर है और एक ये एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, देखो ना माइनस टू ए माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ गया टोटल, माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, फिर बच्चे ये रहा मेरा एक्स का टर्म और एक ये रहा एक्स का टर्म, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या है, प्लस टू ए इंटू एक्स हो गया, ओके। फिर इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो यहां से कुछ मेरे को मिल रहा है क्या, यहां से देखो अगर एक्स का टर्म में एनालिसिस करूं तो ये क्या आने वाला है, देखो बच्चों एक है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स का तो टर्म सही है, फिर माइनस माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए ए स्क्वायर एक्स, ओके सही है। तो बच्चों यहाँ से देखो क्या आने वाला है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये है ना इतना टर्म बना, फिर यहाँ से अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या आने वाला है, माइनस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ओके।
इतना आ गया बच्चे। अब देखो बच्चों यही क्यूबिक जो मेरा बना है, क्यूबिक पॉलीनोमियल, यही पॉलीनोमियल इसके बराबर है ना, इक्वल है ना, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर मैं कंपेयर करूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं किससे, इसके कोफिशियंट का इसके कोफिशियंट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के कोफिशियंट को राइट हैंड साइड के कोफिशियंट से कंपेयर कर रहा था, यहां से क्या लिखूंगा, माइनस थ्री ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री, देखो कोफिशियंट क्या एक्स स्क्वायर का ये है ना, और इसका क्या है माइनस थ्री है ना, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू थ्री अपॉन थ्री, का वैल्यू क्या आ गया वन। ओके अब बच्चों बी का वैल्यू निकालना, बी के वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, बी का वैल्यू के लिए मेरा क्या दिया हुआ है, इस इक्वेशन को यूज करूं क्या, ये टर्म और इस टर्म को मैं यूज कर सकता हूं यहाँ पे, देखो ये क्या है, ये मेरा कांस्टेंट है ना, ये मेरा क्या है बेसिकली कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म क्या है मेरा कांस्टेंट की तरह है क्या इसमें, और ये कांस्टेंट है और ये भी मेरा देखो कांस्टेंट है वन, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, क्या लिख सकता हूँ बताओ, माइनस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या, बोलो। देखो बच्चों क्या किया, मेरा ये क्यूबिक इक्वेशन बना ना, क्यूबिक इक्वेशन बना तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट आया, ओके, और यही मेरा क्यूबिक इसके बराबर होगा ना, क्योंकि मेरा क्या है क्यूबिक पॉलीनोमियल है, और ये मैं जब तीन जीरोस दिया था, तीन जीरो से मैं फैक्टर बना, उसी फैक्टर से ना मेरा एक क्यूबिक पॉलीनोमियल बना, और वो क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होगा, इसी के बराबर होगा ना, इसी के बिल्कुल बराबर होगा ना, तो देखो ये क्यूबिक पॉलीनोमियल जो मेरा तीन फैक्टर्स था, उस तीन फैक्टर्स से, थ्री फैक्टर्स से मैं एक क्यूबिक पॉलीनोमियल बना दिया, ओके, ये मेरा बना। अब ये बना क्यूबिक पॉलीनोमियल, दिस क्यूबिक पॉलीनोमियल इज गोइंग टू इक्वल विथ दिस क्यूबिक पॉलीनोमियल, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या कह रहा हूँ, यहाँ जो अब बताओ क्यूबिक पॉलीनोमियल है, तो यानी कि ये पॉलीनोमियल इज इक्वल टू ये पॉलीनोमियल होगा, जब इक्वल कब होगा, जब इसका कोफिशियंट इसका भी बराबर होगा, एक्स स्क्वायर का भी कोफिशियंट बराबर होगा, एक्स का भी कोफिशियंट बराबर होगा, प्लस इसका भी कोफिशियंट बराबर होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सबका कोफिशियंट बराबर होगा, तो देखो इसीलिए मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कंपेयर किया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन को कंपेयर किया राइट हैंड साइड के इक्वेशन से, तो मैं देखा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, माइनस थ्री है, क्या है माइनस थ्री है, क्या था मेरा यहाँ पे बेसिकली ये माइनस थ्री है, और ये माइनस थ्री किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ना, तो माइनस थ्री हो गया, तो यानी कि माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री, समझ में आया। अब देखो तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू थ्री बाय थ्री इज इक्वल टू वन, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बच्चे बताओ, मैं ये तो एक्स का कोफिशियंट है, तो ये बड़ा सा एक्स का कोफिशियंट आया, फिर ये क्यूबिक का वन आया था, एक्स स्क्वायर का माइनस थ्री आया था, इसका माइनस थ्री, एक्स का वन आया, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा वन, और एक कांस्टेंट, ये पूरा टर्म क्या है, एक्स के बाद क्या होता है कांस्टेंट होता है ना, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट इज इक्वल टू ये वन होगा ना, तो वही यहाँ पे मैं रखा वैल्यू वन। तो बताओ बच्चों यहाँ पे भी ए का वैल्यू क्या आया था, मेरा ए का वैल्यू वन आया था, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस वन क्यूब प्लस वन इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब बच्चों ये बताओ माइनस वन इधर चला जाएगा तो ये क्या आएगा, प्लस वन बन जाएगा, तो ये क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस वन, ये वैल्यू क्या हो गया टू, और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर टू, यानी कि ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू वन आया, और बी का वैल्यू कितना आया मेरा, बी का वैल्यू प्लस माइनस रूट टू आया, तो आंसर क्या आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या दिया होता है ए एंड बी, तो ए बच्चों कितना आया, ए इज इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एंड टू, ये मेरा आंसर हो गया। ओके समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये सब, मेरा बेसिक साथ है बच्चे, तो बेसिक्स लगा के मैं इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लूंगा। ओके अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, इफ टू जीरोज ऑफ टू जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स टू द पावर फोर
एक्स टू दी पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर, पीछे लिख देता हूं क्या है, टू जीरो पॉलिनोमियल एक्स टू दी पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 आर टू प्लस माइनस रूट अंडर 3. फाइंड अदर जीरोस. बच्चों जैसे मैं पहले क्वेश्चन में किया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी पैटर्न से फॉलो करता है. क्या किया था देखो, पहले मैं बताया था कि ये जीरोस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जीरोस. जीरोस कौन कौन सा है, टू